राकेश टिकैत जी को दिखाई। राकेश टिकैत जी जुड़ गए हमारे साथ। राकेश टिकैत जी, लगभग 4000 लोगों की रोज जान जा रही है इसी कोविड की वजह से, उसकी गंभीरता क्या आपके दिल को जरा भी पसीजने पर मजबूर नहीं करती है? हम आपके आंदोलन, देखिए लोकतंत्र है, विरोध की आजादी है, लेकिन एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? राकेश टिकैत जी, क्या आपको इसकी जानकारी है? मुझे बताइए, क्या है आपका एजेंडा, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो डराती हैं लोगों को। राकेश टिकैत जी। हाँ जी, बताओ। अरे सर, आप काला दिवस मना रहे हैं, यहाँ पर कोविड से लेकर ब्लैक फंगस ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है, घर के घर उजड़ रहे हैं, ऐसे परिवार है जहाँ माँ बाप की मृत्यु के बाद बच्चे अनाथ हो रहे हैं। मुझे बताइए, हॉस्पिटल में इलाज होंगे? हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में होगा इसका इलाज। हॉस्पिटल में इलाज होगा, लेकिन एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित करता है मुझे बताइए राकेश टिकैत साहब, एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है मुझे बताइए। अस्पताल, एक व्यक्ति, एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है राकेश टिकैत साहब, मुझे बताइए अगर आपको पता है। ये बीमारी तो सरकार को पता है ना, ये सरकार को पता है ना, आप नेता हैं। अगर ये बीमारी बड़ी है, आपकी बात सारे किसान सुन रहे हैं, कोरोना बड़ा है या कानून बड़ा है? मैं कह रहा हूँ कि कानून बड़ा है या कोरोना बड़ा है, आप जवाब दो। कोरोना बड़ा है, उससे हो रही मौतें बड़ी हैं। जवाब दो। लोगों की बर्बाद होती हुई जिंदगी और परिवार बड़े हैं। उससे भी कोरोना बड़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बड़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बड़ा है। सरकार को शर्म नहीं आती? जब बीमारी है, ये कानून छोटे हैं, कानून को कैंसिल नहीं कर सकते, कानून कैंसिल नहीं करेंगे। सरकार के दिमाग में, सरकार के हिसाब से कानून बड़े हैं, जनता के हिसाब से और हमारे हिसाब से कोरोना बड़ा है। हम भी चाहते हैं कि हम घर जाएं, कानून छोटी चीज है, कानून फिर भी आ सकते हैं, कानून फिर भी बन सकते हैं। जिन लोगों की जान गई हॉस्पिटलों के गेट पर, जिन लोगों की जान गई, उसके जिम्मेदार या सरकार है, सरकार है उसकी जिम्मेदार। हम भी जा सकते हैं घर, हमें भी घर ठीक लगता है। 6-6 महीने तक देश में आंदोलन होंगे और प्रेस के लोग, प्रेस के एंकर, बड़े बड़े प्रेस के लोग बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम करेंगे। 3-3 महीने तक आंदोलन का पता नहीं लेंगे, किस चीज की बात करते हो आप? सारे बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं सारे लोग, ये देश देखता है आपको भी। अब आप कोरोना का भंडा फोड़ो, ये किसानों के जुम्मे लगाओ कोरोना। कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में है, कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। ये कान खोल कर सुन लो, फिर दिल्ली सुन लो कान खोल के। 26 तारीख हर महीने आती है, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये 25 लाख आदमी भी यही है। ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है, ये कान खोल कर सुन ले सब। और जो प्रेस के लोग, जो बकवास करते हैं प्रेस के लोग, 3-3 महीने से हम देख रहे हैं इनको, बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम कराए इन्होंने, या देश की जनता देखती है उनको, सबक दिखाएगी इनको देश की जनता, दिखाएगी हमारे उससे कोरोना बड़ा है देश में, कानून छोटा है। सरकार के उससे कानून बड़ा है और कोरोना छोटा है। हम मानते हैं कोरोना बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए, ये कानून खत्म नहीं हो सकते, देश की जनता मरेगी। जिस तरह से देश का इंजेक्शन हॉस्पिटलों के तिजोरियों में बंद हुआ, उसी तरह से बड़े लोगों की तिजोरियों में देश का अनाज बंद होगा, देश की रोटियां बंद होगी, उस टाइम पर लोग भूख से मरेंगे। यही तो हमारा आंदोलन है, उसको सुनो। अगर हिम्मत है तो दिखाओ, इस जनता को दिखाओ हिम्मत है तो, ये दिखाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल दिखा रहे हैं, टिकैत साहब। अगला क्वेश्चन करो। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जो मैं आपको कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। नहीं दिखा रहे, बहुत आसान है मीडिया पर उंगलियां उठाना, लेकिन क्या मीडिया अस्पतालों के हालात दिखाने के बजाय आपका यहाँ पर लाइव ट्रांसमिशन करती? क्या मुझे ये बताइए कि जब लोग अस्पतालों में मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, दिखाते ना कि हमने क्या क्या काम करा, आप बड़े उतावले हो रहे हो, लोगों को दी, हमारे ऊपर लाठियां चली। आप भी चाहते हो दबाव बनाना हर किसी पर, लेकिन राकेश टिकैत साहब, मेरे सवाल का तो इंतजार करो, आप मेरा सवाल पूरा सुन लो फिर जवाब देना। मेरा सवाल तो पूरा सुन लो, मैं सवाल आपसे ये बताओ, सवाल बताओ कि पिछले 3 महीने
आपको पता है मई की तारीख में जब पीक आया 4.5 लाख 4.25 लाख के करीब केसेस हो रहे थे देश में, 4.25 लाख केसेस एक दिन में, और आप ये मीडिया पर आरोप लगा रहे हो कि 4.25 लाख केसेस की हम सूद नहीं लेते और राकेश टिकैत का चेहरा चमकाते रहते, क्या बात कर रहे हो सर आप? आप समझ रहे हो 4,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। कहा कि आप सरकार को कहते इस बात पर वाहवाही करनी सरकार चाहिए को कहते कि लोगों की जान जा रही है, कानून वापसी जाती हुई जान का हिसाब पूछा सरकार से, आप कहते हैं उनको हमने एक एक पूछ जाती हुई जान का हिसाब पूछा, आप कहते हैं सरकार के ऊपर सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा, आप कैसी बात कर रहे हो आज? आज तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बुझा हम सड़कों पर है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर है, हमने पुलिस की लाठियां खाई, आप टिकैत हमने लोगों की हजारों लोगों की जान बचाई हमने, लेकिन मामले की गंभीरता को समझो। आज देश आपसे ये जानना चाहता है कि क्या राकेश टिकैत के अंदर, सुनो आप मेरा सवाल, क्या राकेश टिकैत के अंदर की संवेदनाएं जिंदा हैं? आपको पता है परिवारों में ऐसे हालात है कि किसी का पति चला गया है, किसी की पत्नी चली गई है, किसी में माँ बाप दोनों चले गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, ये राजधानी की परिस्थितियां हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम हुए, हमने हर रोज शो किया और सरकार से पूछा कि आप कहाँ हैं बताइए, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या एक दो महीने का इंतजार नहीं हो सकता टिकैत साहब? क्या आपके अंदर की संवेदनशीलता जिंदा है? किसानों के तमाम आंदोलन उनकी परेशानियों के साथ आज तक खड़ा रहा है, मैं खुद आपसे बात करती रही हूं कि हम किस दिन लाइव कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन जरा तो संवेदनाओं को जिंदा रखना होगा, जरा तो समझना होगा कि बच्चों के आंसू बह रहे हैं, परिवारों में लोग शमशान घाट तक पहुंच रहे हैं, शमशान घाटों में लाइन लगी हुई है। ऐसे में टिकैत साहब क्या एक दो महीने का इंतजार नहीं हो सकता है? मेरे सवाल का ईमानदार जवाब दीजिएगा, दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन आज मैं बड़े दर्द के साथ ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ टिकैत साहब। जिस जब जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, हम उनको ऑक्सीजन दिलवा रहे, पुलिस की लाठियां खाकर ऑक्सीजन दिलवा रहे, कहां पर दिलवाया, किस अस्पताल में दिलवाया, पुलिस की लाठियां चल रही है, किस अस्पताल में दिलवाया, सिलेंडर दिलवाए, अगर यहाँ पे इंटरनेशनल खाल साइड यहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर लगाती है ऑक्सीजन का, तो लाठियां चलती है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। हमने अगर ऑक्सीजन के यहाँ से लुधियाना और चंडीगढ़ से हमने 10-10, 20-20 सिलेंडर खरीद के और हमने अगर गांव में भेजे, तो उसी सरकार ने फिर जो पैटर्न हमारा था उसी पे ही काम करा है ना सरकार ने, फिर जब हमने कहा कि ऑक्सीजन के हॉस्पिटल खोल लो, जो हमारी वहाँ पे हॉस्पिटल है जो बंद पड़े हुए हैं उसको खोल लो, जो गाँव में डॉक्टर है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल करवाओ, हमने दिए हैं ऑक्सीजन, हमने हरिद्वार, काशीपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हमने दिल्ली के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई, रिवाड़ी के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई, हमने ऑक्सीजन दिलवाने के लिए लाठियां खाई हैं, हमने खाई है लाठियां, हमने हजारों लोगों की जान बचवाई ऑक्सीजन दे के। सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार अगर कोई भी संस्थाएं ऑक्सीजन पे या किसी उस पे काम करती थी उनके ऊपर लाठियां चलाई, आप वो दिखाओ। अगर सरकार संवेदनशील होती, सरकार की प्रायोरिटी में जो प्राथमिकता थी उसमें अगर कोरोना महामारी थी और कानून से बड़ा कोरोना था, तो ये कानून बात करके वापसी एक दिन में ले सकते थे, इन किसानों को घर भेज सकते थे, इन हमारे से जो चाहिए था हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हमने आंदोलन करते हुए भी लोगों की हेल्प करी है, हमने सरकार ने नहीं करी, सरकार ने तो इंजेक्शन ब्लैक में बिकवाए हैं, और हमने बार बार कहा है कि जिस तरह से इंजेक्शन ब्लैक में जा रहे हैं उसी तरह से रोटी तिजोरियों में बंद होगी, यह आंदोलन उसी का ही है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, ठीक है सर, उसका है यह आंदोलन। आज रटी रटाई बातें नहीं करते हैं टीवी पे, आज दिल से बात करते हैं, मैं भी दिल से सवाल पूछती हूँ आपसे, आप भी दिल से जवाब बताओ, क्योंकि जिस राकेश टिकैत को मैं जानती हूँ, जिन्होंने किसानों का आंदोलन अपने पिता के साथ लंबे वक्त तक लड़ा है, उस इंसान को मैं जानती हूँ, उसके सीने में भी दिल धड़कता है। आज दो शब्द तो बोलिए उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड के बीच अपनी जान खोई है, उनकी चिंता आपको सताती है या नहीं सताती है, ये डर आपको सताता है या नहीं सताता है कि किसानों के बीच भी अगर ये संक्रमण फैलता है, टिकैत साहब ये संक्रमण फैलता है तो बहुत बड़ी जवाबदेही आपके भी बनेगी। आज इस मकाम पर यह आंदोलन है कि लोग राकेश टिकैत की हर बात को मानते हैं, राकेश टिकैत के हर सवाल को सुनते हैं, राकेश टिकैत के हर भाषण को ध्यान से सुनते हैं। आज भी जब मैं आपके साथ बहस करती हूं तो फौरन जो लोग देखने वाले हैं उनमें उछाल आता है, वो क्यों है?
क्योंकि आपकी बातों में लोग ईमानदारी देखते हैं, तो उस ईमानदारी को अपनी नजरों से भी आज दिखाइए। आज ये सवाल पर सोचिए कि महामारी है ये, आपको पता है कितने लोगों की जान गई है सर? आपको पता है कितने बच्चों का परिवार उजड़ गया है? पता है। उनके माँ बाप नहीं है राकेश टिकैत साहब? पता है। कोई कमाने वाला घर में नहीं है। हम ये कह रहे कि ये आंदोलन स्थल ये कोई कोरोना का उद्गम स्थल है कि यहाँ से कोरोना फैल रहा है? जब बंगाल में चुनाव हुए, भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई, कोरोना वहां भी फैल सकता था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, वहां कोरोना नहीं फैलता। यहाँ पर तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, लोग डिस्टेंस बना कर रहते हैं, लोग न मकान बना रखे हैं उसमें दो दो तीन तीन लोग रहते हैं। आपके लोग नहीं, देश की मीडिया नहीं ये दिखाते रहे कि आदमी चले गए, भीड़ नहीं है। अब अगर हम कोरोना का पालन कर रहे हैं, हम ज़्यादा भीड़ नहीं बुला रहे हैं, तो आज कहते हैं कि आप बहुत भीड़ आ गई, तो तह करके ये बता दो कि भीड़ यहाँ कम है या ज़्यादा है। हम तो डिस्टेंस का पालन करते हैं, यहाँ पर छिड़काव होता है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, शाम के टाइम यहाँ 7 बजे के आसपास यहाँ पर फॉगिंग होगी जो दवाई छिड़की जाती है। क्या किसी गांव में, किसी शहर की कॉलोनी में किसी के वहाँ पे दवाई छिड़की जाती है हर रोज? ये पूर्ण रूप से जहाँ पे धरना स्थल है यहाँ पे कोई इस तरह की बीमारियाँ नहीं है। जो लोग गांव से आते हैं वे 8-10 दिन 15 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन टाइप से अलग से वे लोग रहते हैं यहाँ पे। हमको पता है बीमारी का, सरकार नहीं ध्यान दे रही इस पर। अगर सरकार संज्ञान में लेती तो इस पर बात हो सकती थी, सरकार बात कर सकती थी। अगर सरकार के दिमाग में बीमारी बड़ी होती तो कानून छोटे होते, कानून तो फिर भी बन जाएंगे, वापसी ले लेते, एक बार बात कर लेते बुला के, ये लोग अपने घर चले जाते। लेकिन आज भी सरकारों को यह है कि कोरोना के नाम से इन किसानों के ऊपर एक एलिगेशन और लगाओ और कहो कि बीमारी यहाँ से फैल रही है। जैसे पंजाब हरियाणा कि गांवों की लिस्ट दे रहे जो लोग यहाँ पे बीजेपी के लोग आए, जो मंत्री आए भी तो यहाँ पे। ये तो सरकार बोले ना बोले जनता जानती है, जहाँ जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हुई है वहाँ वहाँ से बीमारी फैली है, चाहे वो चुनाव रहे हो जिसकी सरकार या फिर तमाम पार्टियों ने खूब प्रचार किया है। ये हम लोगों ने लगातार दिखाया है कि प्रचार के दौरान किस तरह से तमाम नियमों का उल्लंघन हुआ है, ये तस्वीर साफ है। लेकिन देखिए, किसान आंदोलन एक पाक आंदोलन है जिसके जरिए कोशिश ये हो रही थी कि आप सरकार पर दबाव बनाएं। लेकिन ऐसे वक्त में क्या अभी पीक के खत्म होने का इंतजार नहीं हो सकता था? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अच्छा आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी आपने सपोर्ट ले लिया है, क्या माने पूरी तरह से अब राजनीतिक हो गया राकेश जी ये आंदोलन? क्या पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है? हमारा किसानों का नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है? इस आंदोलन के किसी की सपोर्ट नहीं है, न यहां तक कोई आया। जैसे विपक्ष में पहले बीजेपी रहती थी ये जितना सपोर्ट करती थी, क्या ये कभी सपोर्ट करके आंदोलन के धरने में बैठती थी? जैसे इन्होंने सपोर्ट करा होगा ऐसे ही दूसरे सपोर्ट कर रहे, यहां कोई नहीं आया हमारे बीच में। अगर कोई पहले आए भी हैं जनवरी फरवरी में, पहले नवंबर दिसंबर में, तो वे नीचे मंच से नीचे बैठते थे। यहाँ कोई नहीं आया पिछले 4 महीने से। यह आंदोलन ना पॉलिटिकल है, यह आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। ठीक है साहब, आपके कितने इंटरव्यूज मैंने किए हैं, कितनी बार लाइव बैठे हो आप मेरे साथ आज तक पर, याद है आप? बहुत किए। पर सवाल यह है कि आप अभी भी मीडिया पर यह आरोप लगाते रहते हो, क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? मैंने खुद, हम लोगों ने आज तक पर एक एक घंटे का पूरा ट्रैक्टर पे आपके साथ, आप बाकियों को छोड़ो ना सर, देश तो आज तक देखता है, मैंने आपका इंटरव्यू किया है लगातार लाइव, आप बैठते हो हमारे साथ आज तक। आने के कुछ चैनल है जो ठीक दिखाते हैं, कुछ चैनल ठीक दिखाते हैं, कुछ चैनल तो पूरे प्रवक्ता ही बन गए उनके। हाँ तो छोड़िए ना बने, क्यों बात करनी है, देश तो आज तक देख रहा है अपने चैनल पर, देश तो आज तक देख रहा है। नहीं नहीं, देश आपकी, देश आपकी बात सुन रहा है, इसीलिए हम सीधा संवाद आपसे करते हैं। आपने कहा सीधा संवाद करेंगे, हमने कहा ठीक है, आपने कहा बीजेपी के प्रवक्ता के साथ नहीं उलझेंगे, मैं सीधी बात करूंगा आपके साथ, मैंने कहा आप ठीक है, आप मेरे सवालों का जवाब दो। लेकिन आज तो सवाल ये है कि क्या यही आंदोलन
एक महीने का इंतजार नहीं कर सकता है। और मैं आपकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूं कि चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो, उसी तरह से बीमारी फैलने का खतरा होता है। सिर्फ किसान आंदोलन को बदनाम करना गलत है, लेकिन किसान आंदोलन भी उन्हीं में से एक बन जाता है जब आप मई के महीने में, अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, अब 26 तारीख है, और इसी महीने में 10 दिन पहले पीक केसेस से 4.25 लाख, क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं हो सकता? उन बच्चों के नाम जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, उन पत्नियों के नाम जिन्होंने अपने पति को खोया है, उन परिवारों के नाम जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके हैं, क्या इंतजार नहीं हो सकता है टिकैत साहब? हमने ये कहा कि अब यहाँ पे ना हम भीड़ बढ़ा रहे, हम एक किस्म से ये गांव है, जैसे लोग गांव में रहते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ कोई पब्लिक मीटिंग अब नहीं होती, जब तक ये कोरोना डाउन नहीं आएगा कोई पब्लिक मीटिंग हम बाहर नहीं कर रहे, पूरा सोशल डिस्टेंस से हम लोग रहते हैं, पूरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग गांव से आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं गांव से, जो लोग आते हैं वे कहते हैं कि यहाँ सुरक्षित है, हम यहाँ 8-10 दिन 15 दिन वे लोग एकांत में रहते हैं। जो लोग यहाँ से वापसी चले जाएंगे वे लोग पूरा अपने घर पे एकांत में रहते हैं। बीमारी है, वैक्सीन लगाया आपने? वैक्सीन हमने सरकार को लिखा है कि यहाँ पे आपने लगाया है? हमने लगवाया है, मुझे जितनी पता है आपकी उम्र का लगवाया। आपकी उम्र कितनी है? हमने लगवाया। टिकैत साहब उम्र कितनी है? लगवाया हमने 54-54 है ना। आपने वैक्सीन लगा लिया दोनों डोज? हाँ जी, दोनों डोज लगा लिया। एक लगाया है? नहीं, एक लगवाया, एक में अभी टाइम है। कितना टाइम है, कब लगेगा? और हमने सरकार को कहा, यहाँ के अधिकारियों को कहा है हमने कि यहाँ पे आप कैंप लगाओ, हर हफ्ते का कैंप लगाओ, और जो भी लोग होंगे यहाँ पे वैक्सीन लगवाओ। पुलिस के लोग भी रहते हैं यहाँ पे, और लोग भी रहते हैं, किसान भी यहाँ पे रहते हैं, हर हफ्ते में एक दिन का यहाँ पे टाइम दे दो। सारे बॉर्डर की हमने बात करी है। तो बाकियों को वैक्सीन लगा रहे हैं? नहीं। अच्छा, आपका अगला डोज कब है, कितने दिन हो गए, क्योंकि अब तो गैप काफी बढ़ा दिया है सरकार ने, कब लगवाऊंगा? अभी हाँ, उसी में लगवाऊंगा अभी, 10-15 दिन बाद में लगवाऊंगा। बाकी लोगों का भी वैक्सीन लगना चाहिए, आपको पता है ना कि कितनी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे वहाँ पर। नहीं, उसके लिए लगना आपने चाहिए। कहा कि आप वहाँ पर स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि कैसे वैक्सीन लगे। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को कहा है, यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को हमने कहा है कि आप उसका कैंप लगवाओ और हम सब वैक्सीनेशन करवाएंगे। बाकी लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको वैक्सीन लग रहा है आते हैं। आपने कहाँ जाकर लगवाया? हमने कहा है प्रशासन को, हमने यही लगवाया गाजियाबाद में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। देखिए, इस बार ये बीमारी हल्के में लेने की नहीं है राकेश टिकैत साहब, आपको भी पता होगा कितने लोगों की जान नहीं, हल्के में लेनी चाहिए। हम लोग लगातार घंटे दर घंटे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, गाँव के हालात, हर जगह के हालात बहुत खराब है। ऐसे में कोई भी इस बीमारी को हल्के में नहीं लगता। आपको भी पता है कि हमने एक साथी को खोया है, कई लोग हैं जिनकी जान जा रही है, युवाओं की जान जा रही है, बड़ी गंभीर बीमारी है इस बार टिकैत साहब। इसीलिए मैं इतना इमोशनल होकर आपसे ये तमाम सवाल कर रही हूं, बहुत जरूरी है इसकी गंभीरता को समझना और सबकी जान बचाना। टिकैत साहब, नहीं, हम समझते हैं कि चैनल दिखाता रहे, ये बीमारी के बारे में बताता रहे, उसको जागरूक करता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, जो आपने वो कराए, हम बात करेंगे प्रशासन से, फिर बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के सेंटर खोल लो, जो जहां जहां पे भी है। हमने हरियाणा सरकार को भी कहा है, उनके वहां पे 3-4 सेंटर वो पड़ते हैं अपने कैंप, तो वहां पे भी कहा है। हमने पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको भी हमने बातचीत करी है, उनसे भी हमारी बात हुई है। अच्छा, कृषि मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन आप करवाओ सब जगह, ठीक है। यहाँ पे भी हरियाणा में भी कहा है, बिल्कुल। आप इसको उत्तर प्रदेश में भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप कैंप लगाओ। साहब, आप इसको पर्सनली परस्यू करो, क्योंकि इस बार पर्सनली आप परस्यू करो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। मुझे ये बताइए कि कृषि मंत्री से आखिरी बातचीत आपकी कब हुई है, क्या कहा उन्होंने, और कब तक आपका ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा? क्या कर रहे हैं आप, क्या होगी आगे की परिस्थिति? आगे का ये रहेगा कि जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी,
हमने उनको चिट्ठी लिखी है, हमने कहा है कि आप बात करो, जो मसले हैं उस पर बैठ के ही बातचीत होगी। 22 जनवरी के बाद में भारत सरकार का कोई मैसेज नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने फिर उनको लेटर लिखा और जब बातचीत करेगा, हम बातचीत को तैयार हैं, हम तो उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं, 6 महीने हो गए। भारत सरकार को शांति तरीके से आंदोलन, कानून वापसी से कम कोई संशोधन पे तैयार हो नहीं हो आप? नहीं नहीं, हम तैयार नहीं है उस पर, तैयार नहीं है हम। बातचीत शुरू होगी, बातचीत वहां से ही शुरू होगी जहां पर बातचीत खत्म हुई थी। ठीक है साहब, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूं, आपका जवाब। देखिए, देश बड़े ध्यान से देख रहा है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर आंदोलन का असर, क्या इस बातचीत का जरा असर हुआ है? क्या आप 1 महीने इंतजार करने को तैयार हैं कि परिस्थितियां बेकाबू ना हो आपकी वजह से, या फिर इस आंदोलन की वजह से कोविड ना फैले से कुछ दिन इसको डालेंगे, या फिर आप और भी अग्रेसिव यानी आक्रामक तरीके से इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे? राकेश जी, नहीं नहीं नहीं, आप ये ध्यान से सुन लो, हम कोई बड़ी गैदरिंग नहीं कर रहे। ये आंदोलन जहाँ है, एक किस्म से ये गांव है, ये कॉलोनियाँ हैं, ठीक है, ये यहीं के यहीं रहेंगे। भीड़ हम इकट्ठी नहीं कर रहे जब तक ये कोरोना पूरा डाउन नहीं आता, जब तक पूरी जो WHO की जो रिपोर्ट है जब तक वह सही नहीं होती, हम कोई बड़ी गैदरिंग कहीं पर नहीं कर रहे। लेकिन आंदोलन की जहाँ तक बात है, आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। आंदोलन खत्म होगा बातचीत से, सरकार के उससे, अगर सरकार संवेदनशील है, अगर सरकारों को यह लगता है कि देश में कानून से बड़ा कोरोना है, तो उनको कानून खत्म कर देना चाहिए, हम भी अपने घर जाएंगे। हमको कोई शौक है कि 6-6 महीने तक देश में, जो लोकतांत्रिक देश है इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, 6 महीने तक बैठ के अपनी बात कह रहे शांतिपूर्ण तरीके से, और आप उसकी बात नहीं सुनोगे? ये तो गलत चीज है ना सरकारों की, कौन सरकार सुनेगी? फिर हम किस तरह से आंदोलन करें? वो आंदोलन का हमको तरीका बता दो कि सरकार कौन सी भाषा में बात सुनना चाहती है, वो तरीका बता दो, हम उसी भाषा में सरकार को बात सुना देंगे। लेकिन ये है कि देश की जनता से, उससे हमारे पक्के मकान हैं, पक्के घर हैं, पक्की कॉलोनियां हैं, हम यहाँ पूरा शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंस है, जो WHO की जो गाइडलाइंस है उसके तहत हम ये आंदोलन धरना प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। कई बातें आपने भी कही, कई हमने भी कही, लेकिन सवाल यही है कि किसानों की चिंता सबको है, और खासतौर पर आपके साथ जो लोग बैठे हैं उनकी चिंता है, इसीलिए तमाम बातें सामने आती हैं।